वेलकम टू राइडिंग गियर्स। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ यामा की MT-15 2024 का मॉडल, E20 कम्प्लाइंट आपकी मोटरसाइकिल। बिल्कुल लेटेस्ट कलर लॉन्च हुआ है, मैट ग्रीन आप देख सकते हैं नियॉन अलॉयज के साथ। ये वाला जो कलर है बहुत मुश्किल से अवेलेबल हुआ है यामा में। मैंने गुप्ता जी को काफ़ी रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप इस कलर को अवेलेबल कराइए, मुझे कलर देखना है इन पर्सन। काफ़ी अच्छा लग रहा है कलर देखने में एंड काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी, अब इसके लुक और भी ज़्यादा अच्छी लगने लग गई है। वही सारे बोरिंग कलर्स देख देख के हम भी बोर हो गए थे, अभी यामा ने नया कलर जो लॉन्च किया है इसको देख के काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग लग रहा है। रिफ्रेशिंग लुक इस बाइक को मिल गया है वापस एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका डिज़ाइन है कितना अच्छा लग रहा है इस वाले कलर के साथ। अभी अगर हम बात करें इस बाइक के ओवरऑल डिज़ाइन की तो आप देख सकते हैं नेकेड मोटरसाइकिल्स में सबसे अच्छा डिज़ाइन हमको MT-15 का देखने के लिए यहाँ मिल जाता है। फ्रंट में आपको यहाँ पे LED की DRLs देखने के लिए मिलते हैं, नीचे आप देखेंगे तो प्रोजेक्टर हेडलाइट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, नंबर प्लेट लगे इस जगह। मैट फिनिश में आपको यहाँ पे फ्रंट का फेंडर देखने के लिए मिलता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। 37mm के आपको यहाँ पे USD फोक्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि गोल्डन कलर में आपको देखने के लिए मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहे हैं देखने में। फ्रंट टायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 100x80 सेक्शन का फ्रंट टायर देखने के लिए मिलता है जो कि 17 इंचेस के अलॉयज के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा। अलॉयज का कलर आप देख सकते हैं यहाँ पे नियॉन कलर में आपको दिया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत प्रीमियम लग रहा है। फ्रंट में आपको बाइबर के कैलिपर्स देखने के लिए मिल जाते हैं और 282mm के यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाती है। बाइक आपकी आती है वैसे डुअल चैनल ABS के साथ। अब अगर हम रियर में देखें तो रियर में आपको 140x70 सेक्शन का टायर देखने के लिए मिलता है जो कि रेडियल टायर है। यहाँ पे 17 इंचेस के ही अलॉयज देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा ब्रॉड लग रहा है इसका जो अलॉय व्हील है नियॉन कलर में, कितनी अच्छी लुक आ रही है इसकी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलती है, 220mm की डिस्क ब्रेक आपको रियर में मिल जाती है यहाँ MT-15 में। ब्रेकिंग आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, यहाँ पे डुअल चैनल ABS है, काफ़ी अच्छी आपको ब्रेकिंग कैपेबिलिटी इस बाइक में देखने के लिए मिल जाएगी। रियर टायर अगर आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मोनो शॉक सस्पेंशन देखने के लिए आपको मिल जाता है जो कि बाइक के कलर के साथ ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। देखिए अलॉयज के साथ कितना ज़्यादा मैच कर रहा है। मफलर आपको यहाँ पे कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है, एग्जॉस्ट आपको डुअल टोन में मिल रहा है। यहाँ पे कार्बन फिनिश भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। बहुत ज़्यादा प्रीमियम टचेस इस बाइक में इस बार यामा ने दे दिए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इसको प्रीमियम बनाती है। ये बाइक अभी डिलीवरी के लिए रेडी हो रही है क्योंकि इस बाइक की इतनी एडवांस बुकिंग्स आ रही हैं कि इस बाइक को स्टॉक में रखना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है यामा वालों के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको LED की टेल लाइट मिल जाती है, ये मैं निकाल नहीं सकता, LED के इंडिकेटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, LED का रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट लगाने जगह आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे आपको जो है दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। छोटा सा यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड देखने के लिए मिल जाता है, फंक्शनल है, ठीक है। चेन कवर का डिज़ाइन आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है अपने सेगमेंट में, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम ये देखने में लगता है। चेन आपको यहाँ पे एक्सपोज मिल जाती है, इसकी आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फुटपैग्स आपको एल्यूमिनियम के देखने के लिए मिल जाते हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको राइडर का जो फुटपैग है वो भी आपको एल्यूमिनियम में देखने के लिए मिल जाता है। ग्रैब रेल्स आप देखिए यहाँ पे स्प्लिट ग्रैब रेल्स दे रखे हैं, यहाँ पे छोटे से आपको यहाँ पे दे रखे हैं ग्रैब रेल्स दोनों साइड में, लेकिन ये कितना सही है, यहाँ पे अपना सामान आप कैरी कर सकते हैं, यहाँ आप अपना लगेज वगैरह आराम से टाक सकते हैं। ये जो फिनिश है, जो टचेज हैं इसमें, ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम बना रहे हैं इसको, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सब डिज़ाइन इसमें। एंड सीट आप देखिए इसकी, सिंगल सीट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। छोटा सा आपको यहाँ पे रियर पैनल देखने के लिए मिलता है, इस पर भी आपको ग्राफिक्स स्टिकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्पोर्टी फील आती है इसको देख के, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में ये सब चीज़ें। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें इसमें दे रखी हैं, जो टचेस दे रखे हैं ना इसमें यामा वालों ने, जो फिनिशिंग है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की इसमें फिट एंड फिनिश आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब अगर हम बात करें इसके साइड प्रोफाइल की, तो साइड में अगर आप देखेंगे इसको तो यहाँ पे देखिए टैंक पे, यहाँ पे आपको जो है बॉडी कलर में ही जो है इसके विंग्स देखने के लिए मिल जाते हैं। MT का लोगो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे आपको MT-15 का स्टिकर देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे यामा का लोगो ये देख सकते हैं आप। एंड इसके बाद आप टैंक को अगर देखते हैं फ्रंट से तो यहाँ पे आप देखिए डुअल टोन में आपको देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे आपको यामा के लोगों का स्टिकर मिल जाता है, E20 का स्टिकर यहाँ पे आपको मिल रहा है। फ्यूल लिड आपको कुछ इस तरीके का मिल जाता है यहाँ पे। इसी के साथ अगर हम बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो यहाँ पे आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलता है जो कि अपने सेगमेंट में काफ़ी डिसेंट है और माइलेज बाइक की काफ़ी अच्छी है। एक फुल टैंक में आप आराम से 450 से 500 किलोमीटर कवर कर लेंगे क्योंकि बाइक की माइलेज सच में बहुत अच्छी है। डायमेंशंस की बात करें, ग्राउंड क्लियरेंस 170mm देख सकते हैं आप, इतनी स्पेस आपको मिल जाती है ग्राउंड से बाइक की, काफ़ी डिसेंट है, बहुत बढ़िया यहाँ पे दे रखी है। सीट हाइट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सीट हाइट है वो आपको 810mm की देखने के लिए मिल जाती है, थोड़ी सी टॉल है,
लेकिन फिर भी मैनेजेबल है क्योंकि बाइक काफ़ी लाइट वेट है। सिर्फ 139 केजी से आपको ये बाइक मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसेंट वेट है। इंजन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंजन आपको कुछ इस तरीके का देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। लिक्विड कूल्ड आपकी ये बाइक है तो यहाँ पे आपको रेडिएटर देखने के लिए मिल जाएगा। 155 सीसी का 4 स्ट्रोक 4 वाल्व वाला इंजन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इंजन काउल देखिए, इसका इंजन काउल भी कितना ज़्यादा स्पोर्टी यहाँ पे मिल जाता है। 14.1 Nm का टॉर्क यहाँ पे आपको मिलता है एंड 18.4 PS की पावर इंजन जनरेट करता है 6 स्पीड गेयर बॉक्स के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको इस बाइक में मिलने वाली है। तो परफॉर्मेंस सेंट्रिक मोटरसाइकिल है, आपको इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि 155 cc की बाइक आप चला रहे हैं, ईजिली ये 200-250 cc की बाइक्स को टक्कर देती है। ये है खासियत यामा MT-15 की। अरे कहाँ है यामा MT-15 की कीज़? यहाँ पे आपको कीज़ देखने के लिए कुछ इस तरीके की मिलती है यामा MT-15 की। ये लगती कहाँ पे है? ये लगती है यहाँ पे। बार हैंडल आपको यहाँ पे मिल जाता है, आप देख सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विच गियर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। नई चीज़ आपको यहाँ पे ये देखने के लिए मिलेगी, ये वाला बटन नया दिया गया है यामा MT-15 में, स्टार्ट रन एंड स्टॉप। ये आप देख सकते हैं हज़ार्ड लाइट्स आपको मिल जाती है यामा MT-15 के अंदर। हज़ार्ड लाइट हमने ऑन कर दी है। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि फ्रंट से कैसी लगने वाली है। ये आप देख सकते हैं प्री इंस्टॉल्ड आपको हज़ार्ड सिस्टम अब इस बाइक में मिलने लग गया है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है यामा की तरफ से। महंगी तो है, पैसे अच्छे खासे यामा लेता है इसके परफॉर्मेंस के लिए, जस्टिफाई भी करती है बाइक, लेकिन ऐसी कुछ एडिशनल फीचर्स जब मिल जाते हैं ना आपको किसी मोटरसाइकिल में, तो वो वर्थ हो जाती है और ज़्यादा उसकी वैल्यू बन जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब अगर इस तरीके की हेडलाइट आपको एक मोटरसाइकिल में मिलने लग जाए जो कि आपको रात को दिन बना दे तो कैसा रहेगा। ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे जो प्रोजेक्टर सेटअप इसमें दिया गया है, कितनी अच्छी थ्रो इस लाइट की, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। बाकी अब अगर हम देखें इसके एग्जॉस्ट के साउंड तो आप देख सकते हैं अब अगर हम बात करें स्पीडो कंसोल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल्ली डिजिटल स्पीडो मीटर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपका स्पीडो मीटर, ऑडो मीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गॉज, सब कुछ ही आपको यहाँ पे डिजिटल में देखने के लिए मिल जाता है। और जो सबसे ज़्यादा मुद्दे की बात है वो ये है कि फ़ोन कनेक्ट होता है या नहीं। तो जी हाँ, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ दिया गया है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है इसमें। आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा और सारी की सारी नोटिफिकेशंस और इन्फॉर्मेशन आपको अपने मीटर कंसोल में देखने के लिए मिल जाती है। तो ये है हमारी यामा की MT-15। आज सारे कलर ऑप्शंस की हम बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं इस वाले कलर ऑप्शन की जो कि ग्रीन कलर है, मैट कलर में। आपको कैसी लग रही है देखने में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी प्राइसिंग अब इसकी जो है मैं आपको बता देता हूँ। अभी तो वैसे 1.74 लाख एक्स शोरूम इसकी प्राइस आपको देखने के लिए मिल जाती है। ऑन रोड प्राइस जानने के लिए आप अपने यामा के शोरूम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। शोरूम की सारी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हैं गुड़गांव से तो आप मिलिए गुप्ता जी से, गुप्ता जी आपको इतनी बेस्ट डील दे देंगे इस वाली मोटरसाइकिल पे कि आप बहुत खुश हो जाएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सियाराम गुप्ता जी से आप बात कीजिए, अपनी बेस्ट डील लीजिए। गुप्ता जी अच्छी डील दीजिएगा सारे कस्टमर्स को जो भी आते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो गुप्ता जी ने ऑलरेडी एग्री कर लिया है, तो दोस्तों आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यामा के शोरूम को विजिट करके गुप्ता जी से मिलिएगा और इस यामा MT-15 की बेस्ट डील आप उनसे ले लीजिएगा। बाकी अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहूं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।